Good morning guys, welcome to my channel Sizzling Wizzling and welcome to a new episode of Sizzling Vlogs. So अभी बज रहे सुबह के 4:30 और मेरी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हाई है सुबह सुबह क्योंकि हम जा रहे हैं आज पटना और क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ये हम आपको ऑन द वे बताएंगे क्योंकि वी आर ऑलरेडी गेटिंग वेरी लेट. एंड दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे. इसे चलते हैं वरना हमें डांट पड़ेगी. लेट्स गो. चांद तारों में नजर आई चेहरा तेरा. हेलो हाय, आज हम लोग का प्रोग्राम यहाँ से राजगीर का टूर प्लान बना हुआ है और आज हम लोग पूरा व्यवस्थित होकर जा रहे हैं. आज हम लोग पूरा मौज मस्ती करने 5 दिन के लिए. ओके. हम लोग का पूरा फैमिली बहुत दूर के रिश्तेदार में जा रहा है, ठीक है, जिससे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, बट राजगीर है तो घूमना तो बनता है. तो हमें हैप्पी जर्नी कहो आप और आप जलना शुरू करो. दिया है कि हम एक एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं. फिलहाल हम मोतिहारी में हैं अपने ब्रेकफास्ट हॉल के लिए और बारिश हो रही है तो फटाफट अंदर चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं. और यहाँ से निकलने के बाद हमने कार चेंज कर ली और सारे बच्चा पार्टी एक गाड़ी में आ गए हैं. और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी रोड ट्रिप की रियलिटी, घर से निकलते और कुछ दूर चलते हैं. भाई मुझे तो गाड़ी में बहुत नींद आती है, बहुत ज़्यादा. क्या इसमें सैंडविच अच्छा बनाई है या फिर खरीदी है? सबसे अच्छा लगता है मेयो टमाटर प्याज. लो खाओ. एक तोड़ तो मुझे भी देना. और ये है पटना पुल जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं एंड ये हमारा अनदर ब्रंच. सो दिस इज़ आवर अनदर हॉल फॉर लंच और मंजिल अभी भी दूर है. सो खाते पीते रहना चाहिए. तो अभी हम लंच के लिए रुके हैं एक जगह और पहले हम अभी लंच करेंगे, उसके बाद फिर हम बैक टू आवर कार और आई होप हम जल्दी पहुंच जाएं. And we finally reached our destination. और यहाँ पे हम रिजॉर्ट का टूर कर रहे थे और एम्बियंस काफी अच्छा था. It was quite neat and clean. हमको लगा तुम अपना मुंह दोगी. तो हम ऐसे करते तुम नीचे गिरते. टायर्ड फिट बिफोर एंड आफ्टर कर लेना यहीं पे बैठ के. आप ही सब रेडी होके बैठ जाएंगे. हो गया. नाउ वी आर फाइनली गोइंग टू आवर रूम. सो दिस इज आवर रूम.
तो रूम हमारा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा था. इट वॉज स्पेसियस एंड क्लीन और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी थी. मुझे येलो लाइटिंग ऐसे पर्सनली काफ़ी पसंद है. और रूम से जो व्यू था वो भी बहुत अच्छा था. काफ़ी ग्रीन ग्रीन सा रिजॉर्ट का ही व्यू था लेकिन बहुत अच्छा व्यू था. ग्रीनरी एज यू कैन सी. क्या कर रही हो? बनाओ यार कॉफी बनाओ. भाई मेरे तो रूम में जाने के बाद सबसे पहला काम होता है चाय या कॉफी बनाने का. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. बालकनी नहीं है सो इससे ही काम चलाना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम सारी मिठाइयाँ और जो भी फ्रूट्स थे उनको पैक कर रहे थे एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए. एंड इट वॉज सो मच फन. यही होता है बिना एग्जाम दिए बैठे पास करते. मम्मी यार आप लोग का रूम कितना अच्छा है. स्वीट रूम है. सो अभी हम जा रहे हैं रेडी होने बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा. आई एम सो टायर्ड. पहले आप इतना ट्रैवल करके आओ उसके बाद फिर पार्टी अटेंड करो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है. बट जिसके लिए आए हैं वो तो करना ही पड़ेगा. सो अभी हम रेडी होंगे फिर हम जाएंगे पार्टी में. और बात ये ब्लॉग जो होगा ये मैंने बहुत छिटपुट वीडियो से बनाई है जो मैंने चलते फिरते जो अभी हमने रोड ट्रिप करी है थोड़ा रूम टूर और ये सारी चीज़ें. तो जिसका कुछ ऐसे वीडियोस हो सकते हैं जिसका सेंस ना बने तो बट स्टिल देख लेना. रेडी टू गो. देखो मेरी मम्मी कितनी सुंदर लग रही है. मेरे पास रेड लिपस्टिक है. तुम्हारा ही वाला तुम्हारा. हाँ तुम रेड लिपस्टिक ही लगाओ यार. लगाए ही नहीं तुमको मिली ऐसा लग रहा है. मंचूरियन और चाउमीन चाहिए. ये वाला डांस करते हैं. सो खाने में तो चाइनीज और इंडियन दोनों था बट मैंने सिर्फ चाइनीज खाया क्योंकि आई लव 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 चाइनीज क्यूजीन. हो गया पार्टी ख़त्म और मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ. सो आई एंड माई ब्लॉग हियर और माइट बी ये ब्लॉग दूसरे वीडियो में कंटिन्यू होगा क्योंकि हम शायद कल कहीं घूमने जाएँ शायद नॉट श्योर. ओ इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग डू गिव इट अ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी स्टे सेफ बाय गुड नाइट.